हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक गीजर की जो गीजर असेंबली होती है इसको समझेंगे, ये किस तरह से वर्क करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये गीजर का टैंक है जिसमें पानी भरा होता है और ये गीजर असेंबली इस टैंक में इस जगह इस तरह से फिक्स होती है। जब ये फिक्स होती है तो सारा वर्क इसी असेंबली का होता है। वो किस तरह से होता है कि गीजर का जो वाटर इनलेट होता है वो ये है, जिसमें सेफ्टी वाल्व भी लगे होते हैं। तो जब हम गीजर में इनलेट वाल्व से पाइप को कनेक्ट करते हैं तो पानी इस टैंक के अंदर जाता है और वो नीचे की साइड में यहां से इस टैंक में फिल होता है। ये पानी निकलने के लिए हाइट से लिया जाता है, ऊपर से। जब ऊपर से पानी निकल रहा हो तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है हमेशा पानी में डूबा रहना चाहिए, यानी जो आउटलेट है पानी का वो हमेशा इस हाइट से ऊपर होना चाहिए, जिससे कि कभी अगर हम पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, निकाल रहे हो और इनलेट ना आ रहा हो, यानी इनपुट पानी का ना हो रहा हो, तो भी पानी इस लेवल से नीचे ना आए, जिससे ये हमारा एलिमेंट अगर ऑन भी रहता है तो वो खराब नहीं होगा। यानी एलिमेंट की हाइट से काफी ऊपर इसका आउटलेट होता है। इस असेंबली में ये एक जगह देख रहे हैं जिसमें हम इस थर्मोस्टेट को लगाते हैं। इसी तरह से एक और जगह बनी होती है जहां इसका दूसरा थर्मोस्टेट लगा होता है। किसी भी असेंबली में दो थर्मोस्टेट इस तरह से होते हैं कि 165 डिग्री पर इसके पानी का टेम्परेचर जब हो जाता है तो सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तब ये वाला 86 डिग्री टेम्परेचर जब पानी का हो जाता है तब ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर ये भी खराब हो जाता है तो पानी का टेम्परेचर 100 प्लस डिग्री हो जाता है, जिससे यहां पर वेपराइज होती है पानी और पानी के वेपर से इस टैंक में प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर इस टैंक को फाड़ सकता है, ये टैंक ना फटे। इसके लिए इसमें एक सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है। जिस तरह से प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है सेम वही है। तो आप देख रहे हैं कि ये अंदर से जब पानी में प्रेशर ज्यादा होता है तो वो प्रेशर यहां से रिलीज हो जाता है, यानी ये बस्ट कर जाता है और सारा का सारा प्रेशर यहां से बाहर आ जाता है। तो ये इसका सेफ्टी है, फाइनल सेफ्टी, जबकि दो सेफ्टी यहां लगी हुई है। ये इसका वाटर इनलेट है और ये इसका वाटर आउटलेट है। ये जो हमारा वाटर आउटलेट है, ये गीजर असेंबली है तो इस टैंक की, लेकिन ये बदली गई है क्योंकि जब हम इसकी हाइट को नापते हैं तो ये लगभग नीचे तक चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें पानी आएगा उसी वक्त इसमें पानी जाएगा, जबकि इसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो चूंकि ये किसी टेक्नीशियन ने बदल रखा है, अब हम इसको यहां से कट कर देंगे ताकि इतना स्पेस मिले इसके पानी जाने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।